हाय गाइस, वेलकम टू फरी फ्रेंड। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल। तो फ्ली क्या होती हैं? फ्ली होती हैं बहुत छोटी छोटी जू जैसी, यू नो, लाइस जैसी छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो कि आपके डॉग या कैट को हो जाते हैं उनके स्किन के ऊपर। वो उनका खून चूसती हैं, वो अंडे देती हैं स्किन के अंदर, और उनसे उनको बहुत स्क्रैचिंग, यू नो, बहुत इरिटेशन होती है। और ये एक्चुअली वार्म वेदर में पाई जाती हैं, तो हमारे यहाँ वार्म वेदर रहता है कैलिफोर्निया में पूरे साल, तो इसलिए इनको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एट सम पॉइंट कभी ना कभी हो ही जाती है इस स्टेज में। तो बडी को थोड़ी सी फ्लीज हो गई हैं, वो स्क्रैच कर रहा था। देन हाउ यू डिटेक्ट फ्लीज? तो जब आपका डॉग अगर रेगुलर से ज़्यादा स्क्रैचिंग करने लग जाए तब समझो कि एक इंडिकेशन हो सकता है कि उसको फ्ली हो। बडी भी थोड़ा सा अभी थोड़ा ज़्यादा स्क्रैचिंग कर रहा था कुछ दिनों से, तो हमने वेट को दिखाया तो उसने बताया कि इसको फ्लीज है। और फ्ली को डिटेक्ट कैसे करते हैं? उसके दो तरीके हैं। अगर आप अपने एक, यू नो, अगर आप नीचे वाइट सरफेस पे बैठे, जैसे वाइट ज़मीन पे, या फिर चादर बिछा लें, थोड़ा सा ऐसे फर को रब करें, और आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े ना ब्लैक ब्लैक पाउडर जैसे उस पे वाइट पे नीचे गिरेगा, वो फ्ली की पॉटीज़ होती है। अब सिंस फ्ली खून चूसती है तो पॉटी के अंदर भी ब्लड होता है। अब आप उस सरफेस के ऊपर थोड़ा सा पानी की बूंदें डालो, तो जब वो पॉटी अगर, यू नो, लाल कलर छोड़ेगी ना पानी के अंदर, देन आपको पता लग जाएगा कि ये फ्ली पॉटी थी, और इसका मतलब है कि फ्ली हो रखी है। और दूसरी ऑप्शन है, एक आप फ्ली कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कॉम्ब होता है, इसके अंदर बहुत पतले पतले, यू नो, ब्रिसल्स होते हैं। इट्स लाइक, यू नो, जो लाइस कॉम्ब नहीं आता उसके जैसे कॉम्ब होता है, और आप इससे फर को थोड़ा सा फर को कॉम्ब करो तो फ्ली इसके अंदर आ जाती है। और अगर ज़िंदा फ्ली अगर मिले आपको तो लेट मी शो यू आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। अभी बडी की डी शेडिंग करते हुए एक फ्ली निकली है, बडी को फ्ली हो रही है। अगर आप देख सकते हो तो लेट मी शो यू बडी के बालों के अंदर, तो देखा आप कुछ घूमता हुआ, दैट इज़ अ फ्ली। अगर ऐसे कोई ज़िंदा फ्ली निकले, एक कप लेके उसके अंदर पानी भर के उसके अंदर थोड़ा सा बर्तन धोने का साबुन डाल के उसमें डाल दो, उससे फ्ली वहीं के वहीं मर जाएगी। ये रहा, एक हमने एक बोल के अंदर थोड़ा सा बर्तन धोने का साबुन डाल दिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं वो रही फ्ली अंदर, ये वहीं के वहीं मर जाएगी। तो अगर ऐसे कोई फ्ली निकले आपके डॉग या पपी में से, फ्ली कॉम्ब यूज़ करके या डी शेडिंग ब्रश यूज़ करके, तो उसको एक डिश सोप के अंदर, बोल के अंदर डाल दो। और फ्ली कंट्रोल कैसे करते हैं? फ्ली कंट्रोल के लिए बहुत सारी चीज़ आती है मार्केट में। कुछ होते हैं जैसे कि स्प्रेज आते हैं, स्प्रे मारो, शैम्पूज आते हैं, कॉलर्स आते हैं, उनको कॉलर पहना दो, और यू नो, ये तीनों चीज़ें बहुत इनफेक्टिव हैं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता इनसे। एक बार मार देंगे बट बचा के नहीं रखेंगे, दे वोंट प्रिवेंट फ्लीज, और इसलिए इसी रीज़न से वो अच्छे नहीं होते हैं। फ्ली की और फ्ली की एक मेडिसिन भी आती है जो कि सिर्फ आपका वेट देता है, और वो इसलिए होता है कि अगर फ्ली अगर एग्स दे दे, यू नो, डॉग की स्किन के नीचे, तो अंदर से आप मेडिसिन लेके भी आप फ्ली ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी हमने बडी को स्टे किया हुआ है कैरेट दिखा के वीडियो बनाने के लिए, तो बडी अब देख रहा है बडी कह रहा है मुझे कैरेट खानी है। गुड बॉय, ओके गुड बॉय। तो जो फ्ली की मेडिसिन है वो सिर्फ वेट देता है, बट बडी अभी 6 मंथ का भी नहीं है, वो 6 मंथ से पहले मेडिसिन नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन और द बेस्ट ऑप्शन होती है एक स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं। ये ट्यूब्स होती हैं और इसके ट्यूब्स आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो सीधा स्किन के ऊपर लगाना होता है अबाउट, यू नो, इतना लंबा, और वो अपने आप ही, यू नो, पूरी बॉडी में जो ऑयल के ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो अपने आप ही, यू नो, पूरी मेडिसिन को अपने आप सर्कुलेट कर देते हैं। बट डू मेक श्योर 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 1, डॉग्स की और कैट्स की फ्ली मेडिसिन डिफरेंट होती है, और इनको मिक्स ना करें, अगर आपने मिक्स कर दिया इट कैन बी डेडली। नंबर 2, ये जो मेडिसिन होती है ये ब्रीड और वेट के हिसाब से होती है, तो राइट मेडिसिन ही लाएं, क्योंकि अगर यू नो इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन आ गई तो इफेक्ट नहीं करेगी। और नंबर 3, फ्ली मेडिसिन देने से पहले और बाद में 2 दिन तक पानी से दूर रखें अपने पेट को, क्योंकि 2 दिन पहले इसलिए कि अगर वो उसकी स्किन गीली है तो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, और 2 दिन बाद इसलिए कि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने के लिए। उस टाइम पे ध्यान रखें कि वो स्क्रैच ना करे उतना पार्ट, यू नो, स्किन का उतना पार्ट, उस टाइम लिक ना करे, आप भी उसे टच ना करें, और टच करने अगर टच किया है, जैसे अभी मैं मेडिसिन लगाऊंगा तो हाथ धो ले जाके।
सो लेट मी शो यू ये वाली स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट कैसे लगाते हैं। तो वो ट्रीटमेंट करने से पहले मैं जितनी फ्लीज यू नो कॉम से निकल जाए मैं मैनुअली निकालूंगा। सो फ्ली कॉम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको यू नो यू कैन चेक इट आउट। ये हमारी ये वाली स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट है जो यू नो बॉक्स के अंदर थी। ओके गुड बॉय, यू नो गुड बॉय, हमारी 6 मंथ की सप्लाई है। ये जो ट्रीटमेंट होती है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एग्स को भी मारती है, एडल्ट फ्ली को भी मारती है, सारे फ्ली के लाइफ स्टेजेस को भी मार देती है और पूरे 1 महीने में एक बार लगती है। तो ये 6 महीने की सप्लाई है और अभी हम लगाएंगे और 1 या 2 दिन तक हम इसको यू नो बिल्कुल पानी से दूर रखेंगे और उसके बाद ये अपने आप ही यू नो एक महीने तक काम करेगी और हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इवन नई फ्लीज आने से भी रोकेगी। सो लेट मी शो यू ये कैसे करते हैं। तो आप यू नो उसकी नेक से शुरू करें, जो शोल्डर ब्लेड का ऊपर का पार्ट है उसके बालों को थोड़ा स्प्रेड करें। गुड बॉय बारी, गुड बॉय, और बालों को थोड़ा स्प्रेड करें और स्किन देखें। तो ये है स्किन बड़ी की बारी, स्टे गुड बॉय। ये हमें ट्यूब पूरी फिनिश करनी है स्किन के ऊपर, तो जहाँ पे भी स्पॉट्स थोड़ा सा स्किन मिले लगा दो। और ये नेक का पोर्शन इसलिए होता है ताकि बॉडी इसको लिक ना कर पाए। ये स्किन मिल गई है, आई थिंक अब ट्यूब ख़त्म हो चुकी है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मैंने इतने पोर्शन के अंदर पूरी ट्यूब ख़त्म कर दी है। यहाँ से शुरू किया और जहाँ जहाँ पे मुझे स्किन मिली मैंने उसको लगाता गया। तो बेसिकली आपको ये पूरी ट्यूब ख़त्म करनी है और स्किन के ऊपर लगानी है। अब बस इसको 24 घंटे का टाइम एटलीस्ट दें ताकि ये सूख जाए और यू नो उसके बाद ही अपने आप ही पूरी बॉडी में स्किन दवाई पहुंच जाएगी। और मेक श्योर कि आप अपने हाथ धो लें क्योंकि थोड़े बहुत इसमें एप्लीकेशन में लग जाते हैं। तो ये वाली ट्यूब अब पूरा महीना इफेक्ट करेगी और इनफैक्ट जो अभी ऑलरेडी हो चुकी हैं फ्लीज उनको मारेगी, उनके एग्स को मारेगी और आगे यू नो फ्यूचर में फ्लीज होने से रोकेगी। तो एक महीने तक ये वाली ट्यूब काम करती है। आई होप कि यू नो आपके डॉग या पपी को इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट अगर पड़े तो इन केस ये वीडियो आपके लिए रेडी है। एंड दिस इज प्रीटी मच इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड बाय फ्रॉम मी, बाय फ्रॉम बडी, बडी बडी से बाय। ओके बडी बार्क, बडी बार्क। ओ हाय, अच्छा बडी को शेक करना है, बडी को शेक। गुड बॉय बडी, बडी कैसे, गुड बॉय, ओके बाय।